मेरे घर आई एक नन्नी परी टटर टटर बधाई हो नन्नी नहीं नन्ना है अबे क्या बोल रहा है पिलियल बोल हाँ Redmi Note 13 Pro Plus 5G फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम Xiaomi नंबर सीरीज आ चुकी है क्या Xiaomi अपने चार्म को रिगेन कर पाएगा Redmi Note 13 सीरीज से क्या दोबारा Xiaomi वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहा है जानने के लिए देखते रहिए टेक टू रोहिस कैमरे की तरफ बढ़ते मजा नहीं आ रहा है इधर आउटडोर में जाते 100 किलोमीटर दूर आइए अभी कैमरा वाला पार्ट शूट हो रहा है आउटडोर जाते हैं One eternity later. तो हम हमारे घर से 100 किलोमीटर दूर हमारे ऑफिस के किचन में आ चुके हैं और किचन से आपको इसके 200 मेगापिक्सल की कैपेबिलिटीज बताते हैं देखिए इसमें 200 मेगापिक्सल है फिर एक अल्ट्रावेट सेंसर भी है साथ में है अच्छा अल्ट्रावेट सेंसर दिया है और एक लेजेंडरी 2 मेगापिक्सल सेंसर दिया है और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी अच्छा रियर में 4K वीडियो है सेल्फी में कुछ इसमें फुल एचडी पे अटका हुआ उसके ऊपर नहीं जाएगा वो Xiaomi कुछ भी कर ले वो बजट में फुल एचडी देगा 4K देगा ही नहीं सैमसंग कभी नहीं बन सकता है और हमारे पास एक जादू भी है यहाँ पर एनीवेज तो यहाँ पर अभी कैमरे में जाते हैं और अगर साकिब दिख रहा है क्लियर कैमरा वाला फोकस नहीं कर पाता हमारा नहीं दिख रहा ना तो आपको हम लोग अलग से दिखाएगा तो यहाँ पर 200 मेगापिक्सल में मैं जाता है इधर और मैं एक फ़ोटो लेता हूँ और आपको बता दें कि 200 मेगापिक्सल एग्जैक्टली क्या काम करता है ये चचा नीचे खड़े ये मैंने फ़ोटो ले लिया Motorola का H40 Neo है जिसमें 50 मेगापिक्सल सेंसर है और इससे भी फ़ोटो लेते हैं हम लोग एक यहाँ पर ले लिया ये ले लिया अभी दोनों के अंदर हम लोग ने ये ओपन कर दिया है और अगर आपको ऐसा दिखाए कि तो मैं पहले ब्राइटनेस को बढ़ा देता है 2 hours later. तो ये देखेंगे दोस्तों ये है 200 मेगापिक्सल और ये है 50 मेगापिक्सल ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे ये ज़्यादा वाइब्रेंट लग रहा है देखने में ये थोड़ा सा फीका लग रहा है बट फायदा यहाँ पर ये है कि अगर आप देखोगे इस तरीके से ये देखेंगे तो ये जो है ये 200 मेगापिक्सल का फ़ायदा है जो एकदम ज़्यादा जूम करता है और आपकी गाड़ी के ऊपर जो कुछ यहाँ पर मराठी में लिखा हुआ है ये हिंदी या मराठी में लिखा हुआ वो दिख रहा है 50 मेगापिक्सल का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्लियरली वो इतना नहीं दिखाई देगा जितना यहाँ पर दिखाई दे रहा है हालांकि जूम इसका भी ज़्यादा है उतना ही है जितना यहाँ पर इसका है ये फ़र्क है 200 मेगापिक्सल का अगर आप उसको नॉर्मल अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो ये देखो 200 मेगापिक्सल में ये क्लैरिटी होती है और नॉर्मल में आपको 50 मेगापिक्सल या 100 मेगापिक्सल में कुछ वैसे दिखाई देगा जब तक के लिए आप कैमरे के सैंपल्स एंजॉय करिए वैसे आपको बताना भूल गया जो वो पार्ट था ना वो Redmi Note 13 Pro Plus से ही शूट हुआ था भाई और ये वाला पार्ट भी Redmi Note 13 Pro Plus के फ्रंट कैमरे से शूट हो रहा है तो इसका ऑडियो भी आपको समझ गया रहेगा कि इसका ऑडियो कैसा है फुल HD सैंपल है और इसका लेकिन ये डायनेमिक रेंज अच्छा नहीं है देखो ना कितना अजीब लग रहा है डायनेमिक रेंज मज़ा नहीं आया सैमसंग होता था एकदम टॉप क्लास होता था लेकिन बाहर आया तो मेरे को असली रूप दिखाई दिया इस फ़ोन का इसका डिज़ाइन माय गॉड आप देखेंगे आपको 3 अलग अलग डिफरेंट टेक्सचर्स में यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये यहाँ पर पर्पल है ये ब्लू है ये लाइट ग्रीन है ना ऐसी कुछ है और ऊपर भी कुछ और है तो यहाँ पर ये डिज़ाइन जो है एकदम कड़क माल है ना ये हमारे पास है फ्यूजन पर्पल आपको एक फ्यूजन व्हाइट और एक फ्यूजन ब्लैक मिलेगा बट यार ये कमाल कर दिया बहुत ही स्लिम ट्रिम है आपको डुअल स्पीकर से आयर ब्लास्टर है डुअल माइक दिया है आपको नैनो सिम वगैरह मिलती है और साथ में आपको टाइप सी पोर्ट है डिज़ाइन के मामले में कमाल हाँ एक चीज़ रिटर्न कर दी है ये देखो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर टिक 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 मैंने सेट ही नहीं किया है ओह नो IP68 टेस्ट तो बनता ही है अब यहाँ पर हमने ये Xiaomi का Redmi सीरीज़ का पहला फ़ोन है मतलब नंबर सीरीज़ का जिसमें हमें IP68 मिल रहा है तो यहाँ पर टाइमर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस फ़ोन को हम पानी में डालते हैं और 10 मिनट तक देखते हैं पानी में लगा कर कि भाई इसको ऑन ही कर देता हूँ मैं इसको हमने ऑन कर दिया और पानी में छोड़ दिया और 10 मिनट तक के बाद आते हैं और देखते हैं कि भाई इसका कंडीशन क्या है 10 minutes later. 10 मिनट हो चुका है हार्ट बीट हमारी तेज़ हो रही है अब यहाँ पर फ़ोन को बाहर निकालते और देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है मैं बहुत डरा हुआ हूँ
क्योंकि ये रिस्क हम लेते हैं आप लोगों के लिए। ओ माय गॉड, तो देखेंगे चालू तो हो गया है। हाँ अच्छा, पानी यहाँ पर जम गया है। अच्छा ओके, बढ़िया चल रहा है अभी तक तो ठीक है। देखेंगे, मजबूत है भाई अभी तक तो ठीक है। अच्छा एक काम करते, गाना प्ले करते हैं, एक सॉन्ग प्ले करते हैं, स्पीकर की क्वालिटी। चल रहा है। रही बात दोस्तों डिस्प्ले में, तो उन्होंने इस बार कर्व्ड डिस्प्ले दिया है और आपको यहाँ पर 1.5K रेजोल्यूशन और ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट लगा हुआ है, HDR 10+ है, डॉल्बी विजन है और गोरिल्ला ग्लास विक्टस भी यहाँ पर दिया है, विच इज क्वाइट गुड। जो अभी हम जिंदा है, हाँ जिंदा है, जिंदा है, अरे सॉरी 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से, हाँ जिंदा है। तो हाँ एक चीज़ कर्वनेस के बारे में बात करते, मेरे पास S22 अल्ट्रा है और अगर आप देखोगे ना तो Xiaomi का ना इतना कर्व्ड नहीं है, मतलब कर्व्ड है बट ये थोड़ा फ्लैट फील होता है। Samsung का S22 अल्ट्रा है, S23 भी क्यों ना हो, ये सिलेंड्रिकल स्टाइल लुक का डिज़ाइन है, लेकिन यहाँ पर देखिए ना, ये देखो थोड़ा सा कर्व ज़्यादा है, साइड से थोड़ा सा ज़्यादा फील आएगा। ये सुनने में आया था कि S24 अल्ट्रा में तो कर्वनेस होगी भी नहीं, बट एनीवेज मैंने वीवो के फ़ोन देखा, ओप्पो के देखा, उनमें कर्व्ड ज़्यादा होता है, यहाँ पर थोड़ा सा कम लग रहा है, ऐसा लगता है कि ये फ्लैट डिस्प्ले, बट डिस्प्ले अच्छा है, स्मूथनेस भी देखो, पैनल अच्छा है, पंचोल भी छोटा है, चिन भी कम है, सही है, नॉट बैड। अब चिपसेट जो यहाँ पर दी गई है वो मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा। अब बात ये दोस्तों कि ये चिपसेट हमने कुछ फोन्स में देखा है बट अल्ट्रा का थोड़ा सा उन्होंने ऊपर नीचे ट्विक किया रहेगा, बस यही चीज़ है। 4nm पर है चिपसेट का जो नैनोमीटर है वो अच्छा है। एंड्रॉइड स्कोर्स ठीक लगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़े ज़्यादा होते बट 7 लाख के आसपास था और साथ ही साथ CPU थ्रॉटलिंग काफ़ी अच्छा था, आपको 82% का स्कोर आया और साथ ही साथ इसके थर्मल्स बहुत कमाल के निकल कर, मैं सरप्राइज हो गया, अराउंड 39 डिग्री सेल्सियस मैक्स हीट हुआ था, मैंने बहुत कम फोन्स ऐसे देखे जो इतना कम यहाँ पर हीट हुए थे। बाकी LPDDR5 UFS 3.1, मैं आपको अगर दिखाऊँ, ये देखो मल्टीटास्किंग में ऊपर से दिखाता है, ऊपर बेटर रहेगा, ये देखो इधर देखेंगे ना, ये देखो ये ओपन कर रहा है सारे ऐप्स यहाँ पर, कितने तेज़ी से ओपन हो रहे हैं, ये देखो मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ है। ये देखो अगर मैं Antutu ओपन करता है तो ये देखो अभी मैं यहाँ से जाके मल्टीटास्किंग करेगा, इनफैक्ट मैंने BGMI भी खोल के रखा था, ये BGMI क्या, हाँ देखो ये देखो वहीं से मतलब बूट हुआ है, थोड़ी देर पहले मैं वही टेस्टिंग कर रहा था, तो यहाँ पर देखे परफॉर्मेंस अच्छी है। अब BGMI खुली गया तो गेम भी खेल लेते हैं, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation. हमारे टीम में लगता है कोई खुकार है। ये देखो इधर देखो छुरी देखो कितनी ऊपर लगा के रखा, देखो दो कॉर्नर में दिख रहा है, कोई तो खुकार है हमारी टीम में जो बहुत बड़ा सीरियल किलर लग रहा है। सेटिंग्स पे जाके देख लेते हैं कि भाई क्या ग्राफिक्स ऑप्शन मिल रहा है इसमें। अल्ट्रा HDR नहीं है, सिर्फ HDR और अल्ट्रा का आपको फ्रेम रेट से कॉम्बिनेशन है, नीचे थोड़ा बहुत ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हाँ ग्राफिक्स थोड़ी हाइपर ही सेट है। और मैडम जी जो है कपड़ा पहनना भूल गई थी तो हमने जैकेट पहना दिया। और इसमें डुअल स्पीकर है ना भाई, तो आवाज़ एकदम बढ़िया है यार, मेरे को कोई गन मिल जाए तो मैं बहुत खुकार हूँ भाई, बहुत खुकार हूँ। आ गया भाई, तो मतलब अभी तक तो दोस्तों एक्सपीरियंस अच्छा है, स्मूथ है, कोई लैग स्टटर नहीं है, तो हाँ गेम प्ले बढ़िया है। और अगर थोड़ा सा अभी शुरू होते हुए टाइम लगा ना तो हीट भी बहुत कम है, मतलब बिल्कुल भी ज़्यादा हीट नहीं हो रहा है। कहाँ देखो इधर इधर उधर देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है। इसमें एंड्रॉयड 13 आ रहा है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने कदम पीछे हटा ले। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मर गई, वो मर गई, छोड़ दो उसको, छोड़ो। मैं कहाँ था, मैं था एंड्रॉइड 13 पर। इस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि बात यह कि 2024 आ गया और Xiaomi वाले अभी भी एंड्रॉइड 13 पर अटके, मान दे कि इतना स्टेबल एंड्रॉइड 14 नहीं है, अभी भी आया है, लेकिन स्टिल मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि जितने भी नए फोन्स लॉन्च हो रहे भाई एंड्रॉइड 14 ही दे दीजिए, क्योंकि यहां पर आपको 3 साल के ईयरली अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस। इसका मतलब ये कि 14, 15 और 16, अगर एंड्रॉइड 14 पर होता तो 15, 16 और 17 तक आपको इसमें अपडेट्स मिलते, यही मेरा बोलने का मतलब था। बाकी रेडमी नोट 13 और 13 प्रो में आपको 2 साल के अपडेट्स और 3 साल सिक्योरिटी पैचेस, एक एक साल उनमें कम मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें आपको MIUI डायलर है, स्टॉक डायलर है, कोई गूगल डायलर का लफड़ा नहीं, वैसे भी गूगल डायलर अभी रहम कर रहा है तो अलग बात है। और इसमें हमने कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स देखे थे, हमने भी डिलीट कर दिया वीडियो बनाने के लिए,
तो आपको काफ़ी सारे ऐप्स देखने को मिलते हैं और गैट ऐप्स वगैरह वगैरह है तो वो सब है। तो हाँ, एक्सपीरियंस Xiaomi थोड़ा और बेटर कर सकता था, हाइपर ओएस वगैरह की इंटीग्रेशन कर सकता था। हाइपर ओएस अभी उतना उन्होंने बातें करी है, वो तो दूर दूर तक यहाँ पर वो खुद बोल रहा है दूर से कि मेरे को बुला लो मेरे को, पर वो है ही नहीं। सॉफ्टवेयर को लेकर एक और चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी, एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच जो है वो अक्टूबर का है। जी हाँ, वैसे ट्विटर के ऊपर भी कुछ फोटोज शेयर हुए थे इससे रिगार्डिंग, अक्टूबर का है, मतलब फोन लॉन्च हो रहा है जनवरी में, 2-3 महीने से आपने इसमें सिक्योरिटी पैच भी अपडेट नहीं किया, यानी कि फोन सॉफ्टवेयर को लेकर देखा जाए तो काफी आउटडेटेड लग रहा है। और न जाने हाइपर ओएस का जो अनाउंसमेंट किया है उन्होंने वो भी कितना जल्दी आएगा उसके बारे में भी अभी कुछ पता नहीं है। बैटरी की तरफ बढ़ने ही वाला था, देखो इधर तू इधर, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। हाँ वो मेरा दोस्त है, उसको ऐसी बात करता हूँ, इधर तू इधर चल अंदर, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो साकिब भाई ने यहाँ पर कांड कर दिए, हमारा फोन जो है वो चलते चलते बंद हो गया, ये देखो शूट के बीच में ही चार्जिंग किए नहीं और अब भाई जो है वो चार्ज पर लगा रहे, तो देखते हैं कि अब कितना जल्दी चार्ज होता है। A few minutes later. अब देखेंगे दोस्तों, ये यहाँ पर जो है वो चार्ज हो रहा है, क्विक चार्ज का ऑप्शन आ गया, 120 वाट आ गया और यहाँ पर देखेंगे चार्जिंग स्पीड फास्ट हो रही है। अब यहाँ पर ये बज रहे हैं कुछ 1:27 और अब देखते हैं कि ये कितना जल्दी, अब 23%, अब देखते हैं कि कितना जल्दी फुल चार्ज होता है। हाँ चार्ज हो गया दोस्तों, लगभग हमने 1:27 के आसपास इसको 23% पर जो वो चार्ज पर लगाकर छोड़ दिया था, 120 वॉट और 5000 mAh की बैटरी है, लगभग इसने 10 मिनट के आसपास 28% जो है वो चार्ज हुआ, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा जल्दी हो जाए, बट एनीवेज जैसे कि मैंने आपको बताया वो सुपर चार्ज का ऑप्शन आपको ऑन करना पड़ेगा, अगर आप मिस कर दिए तो थोड़ा चार्जिंग स्लो होगी। एनीवेज बैटरी बैकअप दोस्तों इसकी डिसेंट है, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ी बेहतर हो, लेकिन डिसेंट है, बट इट कुड हैव बीन बेटर मेरे हिसाब से, जब तक जितना भी हमने टेस्ट किया हमको वही लग रहा है। बाकी ओवरऑल जब इसका फुल रिव्यू करेंगे, डिटेल टेस्ट तो बनता ही बनता है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की भी बात की जाए, मल्टीपल 5G बैंड सभी सारे फोन्स में है, वाईफाई 6 आपको यहाँ पर मिलेगा, ब्लूटूथ 5.3 दिया है, इनफैक्ट इसमें NFC भी है। हाँ NFC भी का भी आपको सपोर्ट मिलता है और साथ ही साथ आपको कैमरा 2 API वाइडबैंड L1 और तमाम सेंसर्स का सपोर्ट मिलता है। थोड़ा नजदीक आओ, थोड़ा सा और। हाँ देखिए, अब बात यह ना कि हमने इसकी प्राइस थोड़े पहले ट्विटर पर लीक कर दिया था, किसी ने पोस्ट किया था कि MRP जो है इसकी इतनी ज़्यादा थी, Redmi Note 13 तो 20,000 के ऊपर जा रहा है और तो Note 13 Pro तो 28-29,000 और ये जो है ससुरा ये 30 के ऊपर जा रहा है, हालांकि वो MRP है, ओरिजिनल प्राइस डेफिनेटली कम होगी। उसकी जगह पे फिर हम लोग iQOO और Samsung क्यों ना ले ले, जब Xiaomi वाला वहाँ तक पहुँच गया, मतलब एक ज़माने में वैल्यू फॉर मनी का टैगलाइन रहता था कि भाई Xiaomi के फोन सस्ते होंगे सस्ते होंगे, ऐसा कुछ नहीं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही तो फोन भी महंगे कर रहे हैं, इसमें भी कुछ वैसे ही लग रहा है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि Xiaomi अपने इन फोन्स की प्राइस कम रखे और वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ताकि Realme 12 सीरीज आए तो उनसे कम्पीट करने में थोड़ा सा कुछ तो मज़ा भी आया थोड़ा सा। बाकी तो दोस्तों आपको अगर फुल रिव्यू चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, हमारे अनबॉक्सिंग्स कैसे लग रही, मैं अच्छा लग रहा हूँ वो भी कमेंट में जरूर बताना, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइल।